रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। बिहार में अगर चुनाव की बात करें तो हर पार्टी जो है अपने अपने कार्यों को सबके सामने बता रही है कि उसने क्या कार्य किया, आम जनता को बताने की कोशिश में है। लेकिन सत्ताधारी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान की सोमवार यानी कि कल शाम से शुरुआत कर दी है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो वोट की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि सेवा ही हमारा धर्म है, हम सबकी सेवा करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 11 विधानसभा क्षेत्र में निश्चय संवाद के जरिए अपनी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की है। जी हाँ, ये जो संवाद है ये कुछ अलग है, निश्चय संवाद की बात कर रहे हैं, इसके जरिए उन्होंने शुरुआत की है और कहा है कि उनका लक्ष्य काम करना है, ना कि प्रचार करना है। और ये भी कहा कि सेवा ही हमारा धर्म है। अपनी सरकार द्वारा आपदा के समय में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए किया और प्रदेश की पिछली राजद सरकार पर प्रहार करते हुए नीतीश कुमार ने सवाल किया कि हम लोगों द्वारा किए गए कार्यों से पहले कोई आपदा को कुछ समझता था? आपदा पीड़ितों के लिए कभी कोई मदद की गई थी? नीतीश ने बीते 15 साल में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज बिहार की विकास दर दोहरे आंकड़े में है। लोगों का जीवन, जो लोगों की जो जीवन शैली है वो बदली है, गरीबी कम हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो पहले पिछले 15 साल की जो राजद सरकार थी उसमें और अब में काफी अंतर आया है। उन्होंने कहा कि लोग तरह तरह की बात करते हैं, पूछते हैं कि बिहार में बड़े उद्योग धंधे क्यों नहीं है। ऐसे में हम बता दें कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की और आगे के लिए भी बहुत सी नीतियां बनाई हैं ताकि हमारे लोग जो बिहार जो बाहर जाते हैं और उन्हें यही काम करने की सुविधा मिले। वहीं विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने दलितों की हत्या होने पर परिवार वालों को नौकरी देने का प्रावधान किया है। कुछ लोग इसके बारे में बोल रहे थे, अरे भाई कमाल की बात है, देश के कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत हम लोगों ने नियम बना दिया है। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए गए कार्यों की चर्चा और प्रदेश की पिछली राजद सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि लोग बात करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या? हम वोट की चिंता नहीं करते, सेवा ही हमारा धर्म है, सबकी सेवा करते हैं। हमने शुरू से ही कह दिया कि किसी प्रकार से हम ना तो अपराध, भ्रष्टाचार, ना ही संप्रदायवाद बर्दाश्त कर सकते हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव द्वारा प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 साल के शासनकाल में क्या कैबिनेट की बैठक होती थी? आजकल लोग बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, तो जब बैठक नहीं होती थी तो नौकरी देने की बात तो काफी दूर हो गई। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी सरकारी सेवा में सभी को नौकरी मिलती है, ये है संभव? जनता सचेत रहे, हम लोग काम करने वाले हैं। कुछ लोग केवल जुबान चलाते हैं, न काम के बारे में किसी प्रकार का अनुभव है, ना ही रुचि है। उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी राजद में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग का क्या है? पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। नीतीश कुमार ने अंत में कहा कि अगर आपको लगता है कि हमने काम किया है तभी आप हमें फिर से वोट दीजिए, जनता ही तो मालिक होती है, हमने काम किया है और अगर मौका मिला तो आगे भी करते रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए।